नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक हिंदी डेली बुलेटिन में। आपके साथ हूं मैं संपदा झा। चलिए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जेएनयू में रविवार को हुए हिंसा को लेकर पूरे देश में रोष का माहौल। वहीं जेएनयू के छात्रों के समर्थन में आए और भी राज्यों के छात्र संगठन। मायावती ने की न्यायिक जाँच की मांग। वहीं ममता बनर्जी, प्रियंका वाड्रा सहित कई नेताओं ने की हिंसा की निंदा। पाकिस्तान में फिर एक सिख युवक की हुई हत्या। ननकाना साहिब पर हमले के बाद ये दूसरी वारदात। बेगूसराय से भाजपा सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या वृद्धि पर जताई चिंता। उन्होंने कहा, बढ़ती जनसंख्या एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय, जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी। अयोध्या मामले में सरकार ने मस्जिद के लिए 5 जगहों का किया चयन। जल्द ही मिलेगी मुस्लिम समुदाय को जमीन। कुशल पंजाबी की पत्नी ने अपने पति की मौत को लेकर किया बड़ा खुलासा। उन्होंने कहा, हमारे बीच रिश्ता अच्छा नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि कुशल एक लापरवाह पिता थे। अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान ने ट्रंप के सिर काटने वाले को 8 करोड़ डॉलर इनाम देने का किया ऐलान। पैसा रखने वाले 3500 भारतीयों को स्विस बैंक की ओर से जारी किया गया नोटिस। टैक्स चोरी का लगा आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा में अब एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई नामी सदस्य नहीं होगा। राज्यसभा सचिवालय ने राज्य विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी को एक निर्देश जारी कर भेजा संदेश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई दुमका सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।